कोई छपा पुए क्या कहा चलो 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 चपा पड़े ना कि चपा पड़े चपा पड़े हाँ जी सर, आप बोल रहे हैं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम कानकी वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं। अच्छा, तो किस जगह पे ये दुर्घटना तो हुआ है, किस जगह पे, लोकेशन क्या है इसका? ये कानकी और मनोरा के बीच एक जगह है डानी बोल के, उस जगह पे ये घटना हुई है। अच्छा, कितना बजे हुआ है? ये सुबह मॉर्निंग में 6 बजे हुआ है। 6 बजे ये जो गाड़ी था वो किधर से किधर जा रहा था? ये कोलकाता से सिलीगुड़ी की ओर जा रहा था। अच्छा, आपके पास क्या खबर है कि कितना आदमी जख्म हुआ है या फिर कितना आदमी मारा गया है, क्या खबर है आपको, किस तरह से यह दुर्घटना घटी? घटना स्थल में 2 आदमी थे, उस आदमी घायल है जो जिनको MGM किशनगंज भेजा गया है। अच्छा, बोल रहे हैं जो घटना थी, दुर्घटना तो किस तरह से यह घटा है? ये घटना उतना समझ में नहीं आया है, बट कोई बोल रहा है कि इसमें ड्राइवर की गलती है, ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे थे वो गाड़ी एक्सचेंज कर रहे थे। अच्छा, आप बोल रहे हैं 15 से 20 आदमी घायल है, किसी की मृत्यु भी हुई है क्या? हाँ जी, दो की डेथ हुई है, अभी तक उनका नाम पता नहीं चला है। अच्छा, जिनका डेथ हुआ है क्या पुरुष है या महिला है? 2 महिला है। महिला लेडीज है, 2 लेडीज की मृत्यु हुई है। और इंजर्ड जो है कितने आदमी इंजर्ड हैं? 15 से 20 आदमी हमने अपने आंखों से देखा है कि 15 से 20 आदमी इंजर्ड है। अच्छा अच्छा, घटना जो हुआ है ठीक कितना बजे सुबह को हुआ है घटना? मॉर्निंग में 6 बजे हुआ है। अच्छा, किस जगह पे, जगह ठोका जो एकदम जहाँ पे हुआ है उस जगह का नाम क्या है? डांगी बस्ती बोलता है उनको। अच्छा अच्छा, तो वो जो बस दुर्घटना हुई उसके बाद क्या स्थानीय निवासी जो है आसपास का लोग है वो लोग क्या उन लोगों को बाहर निकाले? यहाँ का आदमी जो था पूरा वो लोगों ने उन बस से जितने भी पैसेंजर थे उन लोग को रिलीव किया गया है, पुलिस प्रशासन पहुंच गया है, एम्बुलेंस थोड़ी लेट पहुंची मगर पहुंच चुका है। अच्छा अच्छा, बोल रहे हैं कि यह जो गाड़ी था कोलकाता से क्या सिलीगुड़ी जा रहा था? जी बिल्कुल, ये कोलकाता तो सिलीगुड़ी का ही इसका यह है। सरकारी बस थी क्या ये? नॉर्थ बंगाल कॉर्पोरेशन। अच्छा, NBSTC की बस थी। हाँ। अच्छा, बोले अभी जो बाकी जो पैसेंजर है वो लोग कहाँ है, वो लोग कैसा है? वो लोग अभी कानकी पुलिस थाड़ी के अंदर है, उन लोग को पुलिस द्वारा जहाँ जहाँ के रहने वाले हैं उन लोगों को भेजा जा रहा है। अच्छा, आप तो उस वक्त घटना जब घटी आप मौजूद थे? जी, घटना स्थल में ही हम मौजूद थे। क्या घटना घटी, क्या देखे आप, थोड़ा हम लोगों को बताइए। हम लोग जब मॉर्निंग वॉक करके निकल रहे थे तो हम लोग के सामने अचानक एक आवाज आई तो हम लोग ने देखा मुड़ के कि इस तरीके का घटना हम लोग के सामने आया। उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? हम लोगों ने तुरंत जाके जो पैसेंजर थे जी उन लोग को तहस बस हो गए थे, सबको निकाला, उन लोग के ऊपर पानी का छिटकारा दिया। अच्छा अच्छा, उन लोग को होश में लाने का कोशिश किया, सब अचंभित हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, बोले कितना पैसेंजर होगा, 15 से 20 तो जख्मी हुए हैं यात्री पैसेंजर, टोटल कितना पैसेंजर होगा? पैसेंजर तो पूरा बस भर्ती था। पूरा ही बस भर्ती था जी।
अच्छा, अभी बोल रहे हैं कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस वगैरह वहाँ पर गई थी? जी बिल्कुल। अच्छा, पुलिस प्रशासन रेस्क्यू वहाँ से किए, बाकी पैसेंजर जो है उन लोगों को लेकर गई है? जी, उन लोगों को कांजी पुलिस फाड़ी लेके आया, उन लोगों को यहाँ से जहाँ जिनका एरिया है उनको भेजा जा रहा है। अच्छा, एक एक करके जिसका जहाँ पे घर है उन लोगों को भेजा जा रहा है, और जो दो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके सबको इस वक्त कहाँ रखा गया है? उन लोग यहीं कांजी पुलिस फाड़ी में है। अभी कांजी पुलिस फाड़ी में उनका सब है? हाँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद रिजा। घर कहाँ पर है? नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर लेकर आए हैं, आप सभी को सीधी तस्वीरें रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है चाकुलिया ब्लॉक से, सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं इस वक्त चाकुलिया ब्लॉक की, जहां पर NH 31 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ठीक कानकी और मनोरा के बीच में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना घटी है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। कानकी और मनोरा के बीच डांगी नामक जो स्थान है उस जगह पे आज सुबह करीब 6 बजे एक दर्दनाक जो है सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें कोलकाता से सिलीगुड़ी की ओर जाती हुई NBTC की सरकारी बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है, तथा स्थानीय निवासियों के अनुसार जो जानकारी आ रही है कि इस दुर्घटना में लगभग 20 से 22 आदमी बुरी तरह से जो है जख्मी है, तथा अभी तक जो जानकारी आ रही है स्थानीय सूत्रों के अनुसार कि दो महिला की जो है मृत्यु हुई है। सीधी तस्वीरें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय निवासी जो यात्री बस के अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर, कोलकाता से सिलीगुड़ी की ओर जाती हुई बस आज जो है ठीक मनोरा और कानकी के बीच में, जो कि चाकुलिया ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है, मनोरा और कानकी के बीच में डांगी नामक स्थान पे आज सुबह के करीब 6 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुई है। NBTC की सरकारी बस है यह, पश्चिम बंगाल सरकार की, और जो स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि कोलकाता से सिलीगुड़ी जा रही थी यह बस, उसी वक्त जो है अचानक से करीब सुबह 6 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुई। स्थानीय निवासी जो है अचानक से आवाज सुनते हैं कि बहुत जोर से जो है एक आवाज होता है, जल्द से जल्द जो है दौड़ कर जो है पास में जाते हैं, देखते हैं कि एक बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। बस के अंदर मौजूद जो यात्री है, पूरी बस जो है भरी हुई थी, वह जो है चिल्ला रहे थे। स्थानीय निवासी जल्द से जल्द जो है उन व्यक्तियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। जो जानकारी आ रही है कि जो घायल व्यक्ति है उन लोगों को किशनगंज के MGM अस्पताल में ले जाया गया है, तथा चिकित्सा चल रही है। जो यात्री अभी भी फंसे हुए हैं तथा जिनको रेस्क्यू किया गया है वह कानकी पुलिस फाड़ी में मौजूद है, उनको वहां पर रखा गया है। दो महिला की मृत्यु हुई है स्थानीय सूत्र के अनुसार, जो जानकारी आ रही है अभी तक। हालांकि अभी तक टोटल कितनी मृत्यु हुई है इसकी जो है पुष्टि प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। स्थानीय निवासी जैसा बता रहे हैं कि दो महिला की मृत्यु हुई है तथा उनके सबको भी जो है फिलहाल कानकी में रखा गया है। सीधी तस्वीरें देख पा रहे स्थानीय निवासी नहीं बता पा रहे हैं कि किस तरह से यह दुर्घटना घटी, किस तरह से इतना बड़ा बस जो है पलट गई। जो जानकारी लग रही है देखकर कि शायद जाके जो है एक पेड़ से टकराई है, उसके बाद यह बस पलटी है। अभी तक जो है किस तरह से यह दुर्घटना घटी इसकी नहीं पुष्टि की गई है, लेकिन काफी दर्दनाक यह हादसा है। अभी तक दो महिलाओं की मृत्यु की खबर आ रही है, कुल कितनी मृत्यु हुई है अभी तक इसकी जानकारी नहीं आई है, लेकिन स्थानीय निवासी जैसा बता रहे 20 से 22 व्यक्ति है जो कि घायल अवस्था में किशनगंज के MGM अस्पताल में उनकी चिकित्सा चल रही है। पुलिस प्रशासन को जो है खबर दी जाती है, पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द घटनास्थल पर जाते हैं, एम्बुलेंस की टीम जल्द से जल्द घटनास्थल पर जाती है, तथा स्थानीय निवासियों का रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद पुलिस प्रशासन तथा एम्बुलेंस कर्मी की मौजूदगी में जो है एक एक करके घायल व्यक्तियों को बस से निकाला गया है तथा उनको किशनगंज के MGM अस्पताल में ले जाया गया है। सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं फिर से एक बार, जो दर्शक अभी जुड़े हैं आपको बताने की कोशिश करेंगे। सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप लोग, जो जानकारी आ रही है कि एक बस जो है पूरी तरह से पलट गई है, और यह घटना जो घटी है चाकुलिया ब्लॉक के अंतर्गत मनोरा तथा
कान की जो स्थान है उसके बीच में डांगी नामक एक स्थान है छोटा सा, उसी जगह पे यह दुर्घटना घटी है। सुबह करीब 6 बजे करीब जो है यह दुर्घटना घटी है, जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु की खबर आ रही है तथा 20 से 22 व्यक्ति महिला बच्चे जो है घायल है। स्थानीय निवासी देख पा रहे हैं कि किस तरह से उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बस के अंदर कुछ फंसे हुए थे, बस के नीचे कुछ दबे हुए थे, सभी को जो है स्थानीय निवासी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप लोगों को हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। लाइव संप्रसारण एक तरह से कर सकते हैं, आप लोगों के पास लाइव अपडेट इस वक्त देख पा रहे हैं। घटना स्थल पे जिस वक्त यह दुर्घटना घटी उस वक्त की क्या स्थिति है देख पा रहे स्थानीय निवासी। बस के अंदर जाकर जो है जो घायल पैसेंजर है, घायल मरीज है, उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देख पा रहे जो घायल पैसेंजर है उनको बाहर निकाला गया है तथा वह चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं कि किस तरह से इस तरह की एक दुर्घटना घटी। सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं चाकुलिया के डांगी इलाके से, जो कि कानकी और मनोरा के बीच में है। दर्दनाक सड़क दुर्घटना घटी है जिसमें 2 महिला की मृत्यु हुई है तथा 20 से 22 व्यक्ति महिला तथा जो है बच्चे कुल मिलाकर घायल है। क्या कहना है स्थानीय निवासी का वह दिखाने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ लाइव जिस वक्त यह घटना घटी वह दिखाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह कोई छपा पू ये क्या कहा छपा पड़ेगा ये ना बहुत ला चलो चलो दादा वीडियो छोड़ा निकाले नहीं आए तो करने के बाद बोल रहा छपापुरे ना छपापुरे छपापुरे অনেক লোকের চাপা পড়ে গেছে। हाँ जी सर, आप बोल रहे हैं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम कानकी वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं। अच्छा, किस जगह पे ये दुर्घटना तो हुआ है, किस जगह पे लोकेशन क्या है इसका? ये कानकी और मनोरा के बीच एक जगह है डांगी बोल के। अच्छा, उस जगह पे ये घटना हुई है। अच्छा, कितना बजे हुआ है आज? ये सुबह मॉर्निंग में 6 बजे हुआ है। 6 बजे ये जो गाड़ी था वो किधर से किधर जा रहा था? ये कोलकाता से सिलीगुड़ी की ओर जा रहा था। अच्छा, आपके पास क्या खबर है कि कितना आदमी जख्म हुआ है या फिर कितना आदमी मारा गया है, क्या खबर है आपको, किस तरह से यह दुर्घटना घटी? घटना स्थल में 2 आदमी थे, आदमी घायल है जो जिनको MGM किशनगंज भेजा गया है। अच्छा, बोल रहे हैं जो घटना तो दुर्घटना तो किस तरह से यह घटा है? ये घटना उतना समझ में नहीं आया है, बट कोई बोल रहा है कि इसमें ड्राइवर की गलती है, ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे थे वो गाड़ी एक्सचेंज कर रहे थे। आप बोल रहे हैं 15 से 20 आदमी घायल है, किसी की मृत्यु भी हुई है क्या? हाँ जी, दो की डेथ हुई है, अभी तक उनका नाम पता नहीं चला है। अच्छा, जिनका डेथ हुआ है क्या पुरुष है या महिला है? 2 महिला है, महिला लेडीज है, 2 लेडीज की मृत्यु हुई है। और इंजर्ड जो है कितने आदमी इंजर्ड हैं? 15 से 20 आदमी हमने अपने आंखों से देखा है कि 15 से 20 आदमी इंजर्ड है। अच्छा अच्छा, घटना जो हुआ है ठीक कितना बजे सुबह को हुआ है घटना? मॉर्निंग में 6 बजे हुआ है। अच्छा, किस जगह पे, जगह ठोका जो एकदम जहाँ पे हुआ है उस जगह का नाम क्या है? डांगी बस्ती बोलता है उनको। अच्छा अच्छा, तो वो जो बस दुर्घटना हुई उसके बाद क्या स्थानीय निवासी जो है आसपास का लोग है वो लोग क्या उन लोगों को बाहर निकाले? यहाँ का आदमी
जो था पूरा वो लोगों ने उन बस से जितने भी पैसेंजर थे उन लोग को रिलीव किया गया है। पुलिस प्रशासन पहुंच गया है, एम्बुलेंस थोड़ी लेट पहुंची मगर पहुंच चुका है। बोल रहे हैं कि यह जो गाड़ी था कोलकाता से क्या सिलीगुड़ी जा रहा था? जी बिल्कुल, ये कोलकाता तो सिलीगुड़ी का ही इसका